में तेज बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में हो रही तेज बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर शहर पानी पानी हो गए हैं। भारी बारिश से दिल्ली से लेकर गुजरात तक हालात कुछ इस कदर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए शहर शहर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बारिश का दौर जारी है। नोएडा में सड़कों पर पानी भर गया है। जूनागढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी सड़कों पर जल भराव के हालात हैं और पानी कारों की रफ्तार को ब्रेक लगा रहा है। वलसाड गुजरात की हालत भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, पूरा शहर यहाँ पर जलभराव की चपेट में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सिवनी के हालात भी बारिश से खस्ताहाल हो गए हैं और घर गली मोहल्ले सब पानी पानी हो चुके हैं। इसके साथ ही सिवनी की ही दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो सिहरन पैदा करती है। जब कुछ लोग भारी बारिश की चपेट में आने से एक टापू पर फंस गए हैं जिनका हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस प्रचंड गर्मी से राहत मिली है लोगों को, लेकिन जो तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। 29 जून तक ये बारिश जारी रह सकती है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सराय काले खां में और यहाँ पर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी का जल जमाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज सुबह ही अलर्ट जारी किया था कि अगले 3 से 4 घंटे दिल्ली, NCR, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, फरीदाबाद व अन्य आसपास के इलाकों में बारिश होती रहेगी और उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम थोड़ा कम है, गाड़ियां सड़कों पर कम हैं क्योंकि आज बकरा ईद है, लेकिन जिस तरह से सुबह से ही बारिश हो रही है तो दिल्ली वालों को थोड़ी गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन जो भी सड़कों पर निकले हैं उनको थोड़ी समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, चाहे ITO का इलाका हो, चाहे सराय काले खां का इलाका हो या अन्य कुछ ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके हैं, वहाँ पर पानी का जल जमाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज इसी तरह से लगातार बारिश होती रहेगी। हालांकि अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन सुबह जब तेज़ बारिश हुई उसका असर ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह का जल जमाव देखा जा रहा है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, News 24 दिल्ली। तो ये बारिश का टॉर्चर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी तेज बरसात ने भागती दौड़ती जिंदगी पर ब्रेक सी लगा दी है। तेज बारिश और जलभराव ने शहर का मिजाज ही बदल कर रख दिया है। सड़कें जलमग्न हैं, अंडरपास पानी में डूबे हुए हैं, जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, सड़कों पर पानी इस कदर बह रहा है कि मानो नदी बह रही है। लोग घुटनों तक पानी में आने जाने को मजबूर हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ब्रेक लेंगे, यहां पर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।